राम राम जी सारा ने अपने नए लोग में सारा हूँ स्वागत है और उम्मीद करा भी सारा अपने अपने घर में सुखी स्वस्थ और मस्त होगा। और आज थोड़ी बहुत मेरी तबीयत में भी सुधार है तो मैं आज वीडियो अपलोड कर पाऊँगी। और आज मिलाऊँगी मैं थाने एक बहुत ही क्यूट से मेहमान हूँ और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने आ रही है, ज़रूर सारी कम्प्लीटली देखियो। और मेरा मेहमान था किस लगा है वो भी मैंने जरूर बताई। और मेरा मेहमान इस कि सिर्फ थे देखोगा तो देखता ही रह जाओगा, इतना क्यूट मस्त, मतलब तारीफ के लिए कोई शब्द ही नहीं है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज के जो है वीडियो है उसमें हम हमारे कान्हा का मतलब कि माधव का जो है सिर्फ सुबह का रूटीन दिखा रहे हैं, मतलब कैसे श्रृंगार किया हमने, नहलाना और श्रृंगार ये दोनों। तो फटाफट इनको पहले जो है अनड्रेस कर दिया और वैसे थोड़ी बस मस्ती करते हुए इनको भी हमने जो है नहलाने के लिए इनके जिस उसमें प्रांत में नहलाते हैं वो ले आए। इनफैक्ट ये बड़े हैं तो इनके साइज का कोई मिलता ही नहीं, थोड़े बहुत तो छोटी रह ही जाती है। कोई बात नहीं, ये किस नंबर के लाला है, हमने इनका नाम माधव रखा है। तो अभी हम इन्हें नहला रहे हैं बहुत ही प्यार से। और जो है पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मैं इनको क्या पहनाने वाली हूँ आज। स्पेशली मैंने इनका आज अच्छे से श्रृंगार किया था। तो ये जो है इनकी पोशाक है, नीचे फ्रॉक जो है इनकी, तो ये मल्टी कलर है, हमने दिवाली पे ली थी इनकी ये। और बहुत ही मुझे बहुत सुंदर लगती है एक्चुअली ये ड्रेस, क्योंकि इनकी ना हैवी ड्रेसेस मैं सिर्फ 2-3 दिन रखती हूँ क्योंकि इनको इतनी पहनाती नहीं हूँ मैं। तो मैंने सोचा आज वीडियो भी बन जाएगी, साथ में पहना ही देती हूँ। और ये मैं थोड़ा सा दिखा रही थी। और इसके ऊपर जो वो पोशाक है, शर्ट या जो कह लो, वो ये है ऑरेंज कलर की, पता नहीं वीडियो में अजीब से कलर दिख रही है बट ठीक है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा कपड़ा है, मतलब ओके ताग वो नहीं, गर्मी नहीं होगी इतनी उनके। और उसके बाद में अब इनका थोड़ा जो है श्रृंगार ऊपर से जो पहनाएंगे वो भी निकाल लेती हूँ मैं। तो मेरे छोटे ठाकुर जी का भी ये आ गया साथ में, क्योंकि उनको मैं ना दादी के घर छोड़ के आ गई थी, मैं नानी के घर आ गई ना, तो एक की सेवा मैं कर रही हूँ, बाकी वो वहाँ पर 3-4 दिन रहेंगे। तो ये इनकी बहुत ही सुंदर सी जो है माला है या नेकलेस कह ले। इसके बाद में ये जो है इनकी क्या कहते हैं वो, मुझे नहीं ध्यान में है, वो पंगट क्या बोले, मुझे ध्यान में नहीं है, बस है कुछ तो बोलते थे मैं भूल गई। तो मैं ये थोड़ा दिखा रही हूँ। और ये पोशाक से मैचिंग पोशाक के साथ ही आई थी। और इसके बाद में जो है इनके जो है बाल आपको दिखा देती हूँ, वेट दिखा देती हूँ इनकी, बहुत ही बहुत सुंदर है, घुंघराले बाल इतने सुंदर लगते हैं ना कान्हा पे, आई मीन माधव पे, कुछ भी कह लो। इसके बाद में ऑब्वियसली मेकअप, मतलब ये श्रृंगार ख़त्म तो होगा नहीं बिना पगड़ी के। तो ये जो इनका मुकुट है, और अभी चलो ये सब दिखा दिया तो इनको पहनाते हैं। अब नीचे ना मैंने इनको जो है ग्रीन कलर की जो पहले इन्होंने पहन रखी थी वही जो है निक्कर पहना दी, ताकि इनको ना चुभे ना कुछ, कि ऊपर तो चुभेगा वैसे भी नहीं, और जो फ्रॉक पहना हूँ थोड़ी बहुत चुभती है ना, चुभे नीचे से। तो बांधने में थोड़ा टाइम लगा, मैंने स्पीड में कर दी वीडियो एक्चुअली। और अभी इनको मैं पहना रही हूँ नीचे की पोशाक, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, मैं इनको सर से पकड़ रही, तो ऐसा मत समझना कि कष्ट दे रही हूँ, वो बहुत प्यार से मुलायम है, तो ऐसे थोड़ा सा पीछे किया मैंने ताकि ड्रेस आगे हो जाए, वो स्पीड में ऐसे ऐसे अजीब लग रहा है। तो पीछे से ये भी बांध दी, और अब जो है इनका श्रृंगार करूँगी मैं, मतलब जैसे कि इनको चेन पहना देना, इनकी तुलसी माला भी ठीक करी थी मैं, इन्होंने तुलसी माला पहना रखी ना इनको। सो फर्स्ट बारी आती है नेकलेस की, और वो पहनाने के बाद सेट करके अपन जो ये चीज़ है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, ये पहना देते हैं। एंड फिर हम इनको बाल पहना देते हैं इनके, और मुकुट मैंने एट द एंड वीडियो नहीं बनाई, पहना दिया सीधा। तो अब आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ मैं ठाकुर जी को, बहुत ही सुंदर लग रहे थे, और लगे भी कैसे नहीं, है ही बहुत सुंदर ये तो बिना श्रृंगार के बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये थोड़ा इधर उधर हम ऐसी तैसी कर रहे हैं वीडियो की, मतलब कुछ भी, अभी इनको भोग लगा रहे हैं हम। और भोग आज थोड़ा सा मिक्स ही था, मतलब मिश्री भी थी, माखन भी था, साथ में थोड़ी बूंदी भी थी, लाए थे हम प्रसाद के लिए, तो सोचा साथ में चढ़ा देते हैं। तो थोड़ा सा मैंने मुँह पर लगा दिया इनके, और देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।